ये वीडियो पूरी मजाक में बनाई गई है। मैं इस वीडियो को बनाते वक्त बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। अगर आपको पूरी बातें समझनी है तो वीडियो को पूरा देखो। अगर नहीं समझ में आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको सिर्फ भगवान ही संभाल सकता। तो वेलकम एवरीबॉडी। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ किसी का भी कैसा भी टैलेंट निखर ही आता है। फिर तुम 2 साल के बच्चे हो, 10 साल के बच्चे हो, 20 साल के मर्द हो या फिर 60 साल के बुढ़े ही हो। और हाँ, मैं सिर्फ लड़कों की, मेरे बातों में लड़कियों को भी इंक्लूड करना है। फिर तुम 2 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, 20 साल की लड़की हो, 30 साल की आंटी हो या फिर 60 साल की औरत हो, सबका टैलेंट निखर आता है यूट्यूब पे। तो वैसे ही आया सर्फिंग फ्रॉम द इंटरनेट और मुझे एक लड़की मिली जिसने डायनेमो को स्राउट से कंपेयर किया है और जिसके पास है गेमिंग पीसी, लेकिन वो अपना रैम और प्रोसेसर अपने अंदर लगाती है। मेरा प्रोसेसर है 4 गीगाहर्ट्ज़ का और मेरी रैम में 16 GB। ये लड़की सिर्फ दिखने में 13 साल की है लेकिन अंदर से पूरी मैच्योर्ड है ये। और अगर तुम इसका दिल निकाल के चेक करते हो तो इसका दिल को 30 साल की लड़की जितना ही बड़ा होगा। तो मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ बिंदास काव्या के बारे में। बिंदास काव्या एक 13 साल की लड़की है जो डायनेमो और स्राउट के बीच में कंपैरिजन करती है, जिन्हें पबजी खेलना बहुत पसंद है, गेमिंग बहुत पसंद है, ये पबजी में कुछ भी कर सकती हैं। अरे यार, अब तुमको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ये जो मेरी बड़ी स्क्रीन है बाय डिफॉल्ट 4x का काम करती है और मैं गन पे रेड डॉट भी लगाऊं तो मुझे 4x स्कोप जितना दिखता है। जितनी बड़ी आपकी मोबाइल की स्क्रीन होती है उतना तो मेरा रेड डॉट दिख जाता है। मैं फुल HDR में खेलती हूँ और मुझे 60 फ्रेम मिलता है और बंदा कहीं पर भी लेटा हो मुझे क्लियरली दिख जाता है। अगर आप सैनक मैप में भी सांप बने हो तो भी मैं आपको देख लूंगी। अब बिंदास काव्या एक लड़की है, तुम लोग को पता चल गया होगा। लड़की होने का ये क्या क्या फायदा उठाती है मैं तुमको बताता हूँ। अगर आप डायनेमो मॉडल और श्राउड की फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो फिर भी लाइक कर दो और अगर आप डिसलाइक करने वाले हो इसके लिए लाइक कर दो। कैसे भी कैसे बस इनकी वीडियो लाइक कर दो। और मैडम जी ने अपना गेमिंग सेटअप का टूर भी दिखाया है तो चलो देखते हैं कितना अच्छा है ये भी। दोस्तों, मैंने ये ग्राफिक कार्ड खरीदा है 964 GB है। वैसे इसकी MRP 24,000 पर ये लोकल मार्केट में इतना महंगा मिलता नहीं है, मुझे 15,000 में मिल गया तो मैंने ले लिया। अगर आपको PC में GTA 5 या उस जैसे सिमिलर गेम खेलने हो अभी ढंग से 32 दांतों के लिए जगह नहीं बनी है, अभी ढंग से नाम ही नहीं ले जा रहे किसी चीज के, लेकिन फिर भी भैया सेटअप टूर दिखाएंगे क्योंकि इनको फेमस होना है। 13 साल की बच्ची है नहीं है। और मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी 2 है, एक मेरे PC में लगा है और एक मेरे अंदर लगा है। इससे मेरे जिंदगी का ग्राफिक्स बहुत बढ़ गया है, इससे मेरे प्रोसेसिंग बहुत बढ़ गई है। पहले मुझे सब चीज असली असली दिखता था, अब मुझे सब चीज 3D गेम जैसा दिखता है। आई एम फीलिंग सो हाई। अब यार देखो, तुम देख 13 साल से लड़की से क्या उम्मीद रख सकते हो कि वो अच्छे अच्छे सपने देखेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अब अपनी मैडम ने वैलेंटाइंस डे पे अपनी ओपिनियन रखी है तो चलो उसको भी देख लेते हैं। क्यों लड़कियों, कैसी हो? मना लिया वैलेंटाइन डे? ले लिए 2-3 टेडी बेयर, ले लिए 10-12 गुलाब, खा लिए महंगे महंगे चॉकलेट, कर दिया 10 बार डिनर, काट दिया लड़कों को, काट दिया यार दंगे कराएगी क्या? काट दिया लड़कों से क्या मतलब है? काट दिया लड़कों। और ये टेडी बियर वाला क्या है मैडम? आप तो खुद 13 साल की हैं, आपको खुद टेडी बियर से खेलना चाहिए, दूसरे को क्या सिखा रही है? और ये चॉकलेट वाला क्या है? कैविटीज हो जाती है चॉकलेट खाने से आपने वो। सब इसे लाड प्यार करते हैं। बस मुझे कैविटीज की फिक्र है। हाँ। करवा दिया 10,000 के लिए अंदर। क्या वैलेंटाइन मनाने का ठेका सिर्फ लड़कों ने लेके रखा है? चॉकलेट भी लड़के लाके देंगे, टेडी बेयर भी लड़के। देखो यार, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सिर्फ दिखने में 13 साल के, अंदर से पूरी मैच्योर्ड वुमन है। तुम लोग देख रहे हो उसके दांत पूरे के पूरे 32 आ गए होंगे। ये इवॉल्व होने वाली है, पक्का पोकेमोन है। देंगे और डिनर भी उन्हीं के पैसे से होगा। क्या कभी आपने ऐसे सुना है कि एक लड़की ने पहले तो ये पबजी वाली म्यूजिक लगा के देशभक्ति वाली फीलिंग ला रही है मैडम, और ऊपर से ये पूरी भरंड मेकअप लगा के बैठी है। अब सर क्या बताऊं मैं इनके बारे में, 13 साल की लड़की है, कुछ भी कर सकती है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं इसके बारे में कोई ज़्यादा हेट नहीं फैलाना चाहता हूँ, नहीं तो इसके चाहने वाले आ जाएंगे मेरे वीडियोस पे कमेंट करें, साले मेरे कमेंट्स बॉक्स में कचरा फैलाएंगे।
देखो एक बंदे ने क्या लिखा है, आई लव यू आई वॉन्ट टू मैरी यू। अरे यार भाई 13 साल की लड़की है, कुछ तो इज्जत कर लो। हाँ माना कि अंदर से पूरी खत्म है, लेकिन भाई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।